Ay, me le doy. Up to question number 4, any doubt? Then 5, 6, 7, 8. देखो 5, 6, 7, 8 सारे एक जैसे हैं, इसमें से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे 5 ये है, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 12 की पावर एंड यू हैव टू प्रूव दैट 1 by z equals to 1 by y plus 2 by x. चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 की पावर x equals to 3 की पावर y equals to 12 की पावर z को क्या मान लेंगे? इसका मतलब ये है कि 2 की पावर x भी k के इक्वल, की पावर वाई भी के इक्वल, टेल की पावर जेड भी के इक्वल, यही है ना। अब ये टू किसकी इक्वल आएगा? के की पावर, ये पावर इधर जाके रेसिप्रोकल, ये थ्री किसकी इक्वल आएगा? के की पावर, ये 12 किस टाइम आएगा? इन तीनों में से तो सबसे बड़ा नंबर है ना, अब उसको क्या कर लो, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो? ये टू टू, टू की पावर 2 × 3 होता है, ये वैल्यू रख दो। यहाँ तो के की पावर 1/z, यहाँ के की पावर 1/x का तो पावर को क्या कर देंगे आप? 2/x प्लस बेस से बेस कैंसिल, 1/z equals to 2/x plus 2/x. अगले में यहाँ 2, 3 और 6 दे रखा है, 6 की पावर, ये 6 की पावर -z, ये 6 की पावर, ये 6 क्या देगा? -1/z. यहां 6 क्या होता है? केवल 2 × -1/z, और ये हो जाएगा 2, अट जाएगा ना। -1/z ये कितना हो जाएगा? 1/x. -1/z ये कितना? 1/x. -1/z कितना? ये इसको उधर ले जाएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। मेरी लास्ट में बताएंगे, ठीक है? समझ आ गई? फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे था। सेवंथ क्वेश्चन में क्या करना है? सेवंथ और एट हो रहे हैं ना, नाइन्थ है ना? नाइन्थ किसी का डाउट? टेंथ, टेंथ का सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ, अरे एक मिनट, टेंथ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, टेंथ का सिक्स्थ पार्ट, is 3 4
2x plus r 1 by 32. This is also very important question. देखो इसमें 4 की कितनी भी power है. देखो ये तो 2 की power 2 है. अबे इसका मतलब क्या power? एक पावर मेरे पास ऑलरेडी है 2x प्लस एंड दिस इज 1 बाय 2 की पावर 5. 2 की 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई 2x प्लस दिस इज 2 की पावर ये कैंसिल हो गया भाई. यहां से 2 बाय 3 2x प्लस हाफ माइनस 5. अपने एलसीएम लेना एलसीएम ले लो. दिस इज 4x प्लस 1 बाय 2 ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है ये 3 इधर आके 4x प्लस 1 माइनस 4x is equal x minus. इस क्वेश्चन का और कोई पार्ट? इसका तो सेवंथ पार्ट है ना. सेवंथ पार्ट जैसे इसने कहा 5 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1. एक मिनट में जैसे पूछ केवल वही बताएगा. हाँ अंकु स्टैंड अप. ऐसे निकालेंगे इसमें x की वैल्यू. आवर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके लास्ट तक जिस इसमें नहीं किए ऑनेस्टली अपने अपने सीट पे खड़े हो. देखिए तब उसने काम कंप्लीट नहीं किया. स्टैंड अप. इसने कंप्लीट नहीं किया. स्टैंड अप. वेरी गुड. ठीक है भाई इसमें आप था केस में शुरू कर दो. पंद्रह चक्कर रखे वो बैठ सकते हैं. अरे उधर किसे नहीं किए. देखो इसमें क्या करेंगे 5 की पावर 2x प्लस 3 5 की पावर 0 वही होता है ना. ये कैंसिल हो गया. भाई बैठ जाओ. 2x प्लस 3 कितना हो गया 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू दिस इज योर आंसर. तो सभी क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे रहा हूं. ठीक है इसका नाइंथ पार्ट अपनी अपनी कॉपी में करो सभी. अभी तो रूट 3/5 की पावर x plus 1 equals to 125 by 27. तो इसका मतलब हाफ पावर है 3/5 की पावर हाफ और फिर पावर x प्लस 1
ये 5/3 की पावर नहीं, देखो यहाँ 3/5, यहाँ किसी एक को दोनों सेम मान लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ माइनस, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ माइनस, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/5 की पावर कितनी होगी, हाफ इंटू, ये 3/5 की पावर एक्स प्लस 1/2 कितना हो गया, माइनस थ्री, एक्स प्लस वन कितना हो गया, माइनस माइनस सिक्स, माइनस वन, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। सभी कंप्लीट होना चाहिए, आप में से रैंडम क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। की पावर √x, 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6, एक्स की वैल्यू बतानी है। √x, 4 की पावर 4, 81 √x, 169 आएगा ये, ठीक है। की पावर ये कैंसिल को √x, ये पावर हाफ है, ये पावर हाफ उधर जाके रेसिप्रोकल, ये ठीक है। अगला करो, आया ना सर में, अगर ये है √3 की पावर 4x इक्वल्स टू 81 की पावर -1 और 10 की पावर 0.001, अगर किसी का बीच में डाउट है तो पूछ लो, एक तो 11th क्वेश्चन होगा, ट्वेल्थ भी है, बता रहा 11th, 13 यार, एक मिनट फाइंड करना है, 13 और 14 भी करवाएंगे अभी, सॉरी 11 और 12 भी करवाएंगे, 2 की पावर -x + 4y, 2 की पावर -x निकालना है, ठीक है। 3 की पावर 4x ये 3 की पावर 4x, 4x = x - 1, ये 10 की पावर 1/y, 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 1/y, देखो ये 1/10 की पावर 4 है, 1/y, और ये 10 की पावर कितनी, 1/y कितना आ गया, माइनस
इसका मतलब जो वाई की वैल्यू है इसको दिक्कत आ रही है, वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाय, ठीक है वाई की वैल्यू माइनस वन बाय फोर आई, मैं यहां निकालूंगा टू की पावर माइनस एक्स प्लस फोर वाई, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन तो वन हो गया, ये माइनस वन टू की पावर जीरो वन इज द अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आज लगभग सारे ही कंप्लीट हो गए, कल इसकी लास्ट क्वेश्चन नंबर x इक्वल्स टू टू की पावर वन बाय थ्री टू की पावर टू बाय थ्री फाइंड फाइंड करना हमें एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया मैंने, देखो एक्स क्यूब है ना टू की पावर वन बाय थ्री और टू की पावर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लू, यहाँ क्यूब बन जाएगा टू की पावर वन बाय थ्री और टू की पावर टू बाय थ्री का ए प्लस होल क्यूब, ए का क्यूब बी का क्यूब बी ए इंटू में ए प्लस बी, देखना भाई बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनेगा, यहां से ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो टू बचेगा, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू की पावर, ये थ्री एज इट इज इन दोनों का बेस सेम तो पावर वन बाय थ्री प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स ही तो है ये एक्स क्यूब दिस इज टू प्लस फोर थ्री टू की पावर वन बनेगी, वन प्लस वन टू की पावर वन टू एक्स, एक्स क्यूब इक्वल्स टू सिक्स प्लस x क्यूब माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा भाई, इसका क्यूब किया मैंने, इसका भी क्यूब इस पूरे का भी क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब b a b इनटू a प्लस ये थ्री से थ्री कट गया, वन बाय थ्री की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, टू बाय थ्री की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम है मल्टीप्लाई, बीच में पावर एड वन बाय थ्री टू बाय थ्री और ये एक्स है तो ये एक्स ही तो है, वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री थ्री बाय थ्री वन आ गया, टू की पावर वन टू ये 6x ये 4 ये 2 6 और ये 6x उधर चले गए, ठीक अब
अब क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज जो रिवाइज करवाई थी उसमें किया था। 9 की पावर x प्लस 2 720 प्लस, मेरे को फाइंड करना है 8x की पावर 240। देखो मैंने बताया था ना कि यहाँ भी 9 की पावर x है, यहाँ भी 9 की पावर x है, तो 9 की पावर x और 9 की पावर 2 लिख दूँ। अबे किया था फिर मैंने क्या, 9 की पावर x को a, 81 ये a, 81 a, 240 प्लस a, 81 माइनस a, a की वैल्यू 3, a का मतलब 9 की पावर x 3, b की पावर 2x, 3 की पावर 1, 2x किसके इक्वल हो गया 1, x equals to half, x की वैल्यू half, 8x की पावर 1 by x, a into half की पावर 4 की पावर half, की पावर 2 और half, 2 is the answer। ये रहे सबको, थर्टीन नहीं करवाया, 14 करवा दिया, 15 सारे करवा दूंगा क्वेश्चन, एक मिनट तुम सीक्वेंस से कराऊंगा लेकिन, ठीक है ना। 16th क्वेश्चन में कोई डाउट, 16th का फोर्थ पार्ट सारे हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। 16 का सेकंड पार्ट, देखो 4 की पावर 2x 16 पावर माइनस 6 बाय 5 रूट 8 2 x और y निकालना है, 2 की पावर में कर ले सबको। देखो ये 2 की पावर 2 और ये 2x, ये 2 की पावर 4 फिर पावर ये ना भाई 16 तो 2 की पावर 4, ये पावर 1 बाय 3, फिर ये पावर एक क्या है 2 की पावर, इसका मतलब पावर हाफ, इसका मतलब पावर हाफ, और फिर ये 2 की पावर 4x हो गया भाई। यहाँ पर देखो 4 की 4 बाय 3 इंटू ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 1 बाय 2 इंटू दिस इज 2 की पावर 4x, ये 2 की पावर माइनस 8 बाय y हो जाएगा, माइनस 24 बाय 3 माइनस 8, ये 2 की पावर 3, ये भी इसके इक्वल 2 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 की पावर, इसका मतलब 4x 3, x इक्वल्स टू, ये भी इसके इक्वल है ना, 2 की पावर माइनस 8 बाय y इक्वल्स टू 2 की पावर, ये कैंसिल, माइनस 8 बाय वाई, वाई इक्वल्स टू माइनस 8 बाय 3। आंसर चेक करो, ठीक है, ये रहे सभी को।
और 16 का फोर्थ पार्ट16 का 1 की पावर x प्लस 1 16 की पावर 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 4 की पावर x पर y निकाल रहे हैं। ये तो हो गया 2 की पावर 3 प्लस 1, ये 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 4 इंटू ये हो गया 3x प्लस 3 4y 3x माइनस 4y हो गया भाई। डाउट यहां से भी बना लो 1/2, ये 1/2 की पावर है ना, ये हाफ से 3 प्लस x इक्वल्स टू, यहां से x इक्वल्स टू 6y माइनस फर्स्ट, 3 इंटू 6y माइनस 3 माइनस 4y इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट वैल्यू यहां रखी 3 इंटू दिस माइनस 4y 18y माइनस 9 माइनस 4y 18y हो गए। उधर देखिए प्लस 9 प्लस 14y इक्वल्स टू 14, तो y की वैल्यू y1 है तो फिर फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है 3x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। इसके बाद यहां कर रहा हूं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 4 9, x इक्वल्स टू, अंदर चेक करें भाई सर। 16th क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से करो, दो क्वेश्चन दे रहा हूं। 4 की पावर x प्लस 1 0.5 की पावर 3 माइनस 2x और 1/8 की पावर x,
देखो ये टू की पावर, टू की पावर में चेंज कर ले, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 की पावर 1/2। ये तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, टू की एक्स से टू की वन से, टू की माइनस वन, थ्री माइनस, और ये टू की माइनस थ्री, टू की पावर 2x+2 माइनस 3+2x माइनस 1 की से माइनस वन की से माइनस 3x। अगर टू की पावर में इन दोनों को ऐड करूंगा, 2x+2 माइनस 3+, ठीक है, ये टू की पावर 4x माइनस वन, ये टू की पावर माइनस 3x, ये कैंसिल आउट, 1/7। भी गलत है तुम्हारा, क्यों यार ये उधर जाके प्लस हुई ना, 4x+3x=1, 7x=1, x=1 by, स्टेटमेंट चेंज किया है, एक्स माइनस वन है भाई उसमें, एक मिनट, एक्स माइनस वन है तो ये 4x-5/7 आएगा, वो तो चेंज हो जाएगा। एक और करो, a/b, b/a^2x, x निकालना है, x x एक मिनट, वो ए बाई बी की पावर हाफ, बी बाई ए की पावर, उसको बी बाई ए निकलू, अब इसको ए बाई बी लिखोगे ये माइनस वन होएगा, ये प्लस होएगा, पावर के आगे माइनस कर, ठीक है ना, ये बी बाई ए, 5 मिनट का टाइम है भाई तुम्हारे पास, 1-2x/1, 2-4x माइनस टू प्लस वन इक्वल्स टू 4x=3, x की वैल्यू 3
भाई ओ समझ आ गया सभी को? ठीक है भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मेरे को ये कहा दे तो ए की पावर सिक्स बी की पावर माइनस फोर इक्वल्स टू ए की पावर एक्स बी की पावर टू वाई, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई, पूरी लाइन करूंगा। देखो ए की पावर सिक्स बी की पावर दिस इज पावर वन बाय थ्री, ए की पावर एक्स बी की पावर, अब ए की पावर जो सिक्स है वो वन बाय थ्री लग जाएगी इसके साथ, बी की माइनस फोर है ये जो वन बाय थ्री है इसकी भी पावर और इसकी भी, ए की एक्स और बी की इसकी से मल्टीप्लाई ए की पावर टू, ए एक्स और बी कंपेयर किया दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं एक्स की वैल्यू तो मिलेगी हमें टू, टू वाई की वैल्यू मिलेगी माइनस टू, इधर डिवाइड में चला जाएगा माइनस टू वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स की वैल्यू टू प्लस थ्री, वाई की वैल्यू कैंसिल आउट टू माइनस टू इक्वल्स टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हमने 17 किया था, 18 करवा, एक दो पार्ट को छोड़ के मैं कुछ सारा ही करवा दिया, ठीक है ना। ए की पावर माइनस वन बी की पावर टू, ए की पावर टू बी की पावर माइनस फोर होल पावर सेवन डिवाइड ए की पावर थ्री बी की पावर माइनस फाइव बी की पावर माइनस टू ए की पावर थ्री, सॉरी ए की पावर माइनस टू बी की पावर इक्वल्स टू ए की पावर एक्स,
पहले तो इस ब्रैकेट के जो अंदर है वो सोल्व कर लूं मैं। माइनस एक माइनस दो हो जाएगा भाई, माइनस एक बी कितना हो जाएगा, दो प्लस चार कुछ पावर होगी डिवाइड, एक की तीन प्लस दो माइनस पांच माइनस तीन बी की छह सात हो गया, ए पांच बी माइनस आठ एक सोर, अब ये माइनस तीन और सात की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इसकी पावर ये भी तो है, ए की पावर माइनस इक्कीस बी की पावर ए की पावर पांच बी की पावर माइनस एट। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, इतना समझ में आ गया होगा ना, इक्कीस और फोर्टी टू माइनस इक्कीस माइनस पांच फोर्टी टू प्लस बी की पावर पचास एक्स, और यहां से एक्स की वैल्यू माइनस छब्बीस बी माइनस छब्बीस और बी ठीक है भाई, ठीक है। एटीन का फर्स्ट पार्ट था, एटीन का सेकंड पार्ट, उन्नीस तक कराऊंगा भैया, बीस तक सॉरी, और इक्कीस बाईस तेईस तक एटीन का सेकंड पार्ट, ए प्लस बी की पावर माइनस वन, मतलब इसके कुछ मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा और इस चैप्टर को बंद करेंगे, इंटू में ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू सॉरी एक मिनट इक्वल्स टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, you have to find x plus y plus 2. देखो, तो मैं 1 by a plus b दूं, मतलब ये नहीं है कि पावर माइनस वन बी की पावर मल्टीप्लाई होता है, तब होता है ये वन बाई ए एक्स इंटू वन बाई ए प्लस बी, बी प्लस ए बाई ए बी, बी एलसीएम आया, ए बी को ए से डिवाइड किया तो क्या बचा बी, बी की वन से मल्टीप्लाई बी, ए बी को बी से डिवाइड किया तो क्या बचा ए, ए की वन से मल्टीप्लाई ए, ये और ये तो कैंसिल, दिस इज वन बाय ए की पावर वन और बी की पावर वन, ए माइनस वन और ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा ना, का मतलब x माइनस वन और y therefore x प्लस
I plus 2, minus 1 minus 1 plus 2, 0 answer I guess. नाइनटीन और ट्वेंटी एक जैसे है, मैं तुम्हें एक करवा रहा हूं, मैं तुम्हें ट्वेंटी करवा देता हूं। फॉल्स वो तीन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये है कि 1176 2 की पावर ए 3 की पावर बी 7 की पावर माइनस 2 की पावर ए 3 की पावर बी 7 की पावर इसको फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो इसको 1176 को 588 219 114 3 7 3 4 जा 12 ये 7 इसका मतलब ये जो आया ये किसकी इक्वल आया 2 की पावर 3। मैडम वो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं होनी थी कि मैं सिखा रही हूं, मैंने उसको तो दिया चार बार बोल चुका मैं क्लास में, वो लास्ट वाला क्वेश्चन की शुरुआत में बीच में जो बोला था ना वही तुम्हारे की पावर 3 की पावर 1 7 की पावर कंपेयर किया तो a3 b1 a3 b1 c देखो ये करना है ना 2a3b7 minus c 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 1/49 आएगा ना, 1/7 की पावर 2, 24/ दिस इज द आंसर। आज तुम्हारे 20 क्वेश्चन में 21/23 प्लस लेवल 1 के एग्जांपल्स उसको मैं कल करवाऊंगा। हाँ ठीक है, यदि कल की क्लास में होगा तुम्हारा डाउट अब ठीक है। लेवल 1 के 8 है, 8 मेरा भाई सबको ओके थैंक यू।